नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर कौशल चौधरी कार्यक्रम परोज में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए सुजुकी जिम्नी की पांच ऐसी खूबियां, पांच ऐसे पहलू जिसमें वह महिंद्रा थार से साफ साफ बेहतर है। माना कि अभी तक जिम्नी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन अभी से उसके फायदे लोगों को बताना जरूरी है, वरना कुछ ग्राहक अभी थार खरीद लेंगे और 6 महीने बाद पछताएंगे। वो सोचेंगे कि अगर जिम्नी के बारे में हमें यह सब पहले पता होता तो वह अपना निर्णय बदल देते। अब ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों जिम्नी के बारे में हम किसी को कुछ पता नहीं है। पिछले साल ही वह अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लॉन्च हो चुकी है और अपने मार्केट में आने वाली जिम्नी उस गाड़ी से कुछ अलग तो नहीं रहेगी। तो उन दर्शकों के लिए आज हम लेकर आए हैं कार कंपेरोज का जिम्नी वर्सेस थार कंपैरिजन वीडियो। दोस्तों कार कंपेरोज के 4 लाख सब्सक्राइबर होने के अवसर पर हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप सबके लिए हमने बनाया है एक माँ कसम सच्चा बायर्स गाइड और ये हम आप सबको भेजना चाहते हैं। दोस्तों हमारे आने वाले सारे वीडियोज में कहीं ना कहीं हम आपको एक पासवर्ड बताएंगे और ये पासवर्ड हमें वापस भेजने वाले लोगों को हम ये बायर्स गाइड फ्री में भेज देंगे। तो हमारे वीडियोज को अपलोड होते ही आपके फोन पर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि वीडियो पब्लिश होने के बाद पासवर्ड भेजने वाले सिर्फ पहले 100 लोगों को बायर्स गाइड फ्री में मिलेगा। वीडियो में बोला हुआ पासवर्ड आपका शुभ नाम और पता डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे दर्ज कीजिए ताकि हमारा कुरियर आप तक पहुंच सके। दोस्तों पहला पहलू है पिकअप और स्मूथनेस। दोस्तों जिम्नी का इंजन थार से 1000 सीसी छोटा है। नतीजा ये कि थार में जिम्नी से लगभग दुगना टॉर्क मिलता है, बट वो भी जिम्नी के इंजन से आधे आरपीएम पे मिलता है। नतीजा ये कि थार का वजन जिम्नी से 500 किलो भारी होने के बावजूद लो आरपीएम पे उसका पिकअप जिम्नी से काफी अच्छा है, मगर पावर की बात की जाए तो मामला पूरा पलट जाता है। जिम्नी का पावर टू वेट रेशियो थार से 50% बेहतर है, तो जाहिर है कि हाई आरपीएम पे जिम्नी का पिकअप थार से कई गुना बेहतर है। हाईवे पर गाड़ी चलाते वक्त इन दोनों के पिकअप में आप जमीन आसमान का फर्क महसूस कर सकते हैं। वास्तव में आज थार के अधिकतर ग्राहक उससे शहरी सड़कों पर ही इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ पर जिम्नी का पेट्रोल इंजन का स्मूथनेस थार के डीजल इंजन से बहुत श्रेष्ठ रहेगा। दोस्तों जो दूसरा पहलू है वो है अंदरूनी जगह और कम्फर्ट। जिम्नी की लंबाई थार से लगभग 1.5 फुट कम है, ऊंचाई 8 इंच कम है और चौड़ाई भी 3 इंच कम है, लेकिन यात्री कहकर देखा जाए तो दोनों गाड़ियों में लगभग एक समान अंदरूनी जगह मौजूद है। सीटिंग कंफर्ट की बात की जाए तो जिम्नी थार से कई गुना ज्यादा आरामदायक है। थार की सबसे बड़ी समस्या है उसके पिछले सीट्स, वो साइड फेसिंग है दोस्तों, यानी कि सफारी या बुलेरो के सबसे पिछले सीट्स की तरह एक दूसरे की तरफ देखने वाली। इससे कई सारी समस्याएं आती हैं। पहली ये कि इन सीट पर बैठे यात्रियों की घुटने एक दूसरे से टकराते हैं। दूसरा ये कि साइड फेसिंग सीट्स पर बैठे यात्रियों को उल्टियां होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि हर गड्ढे में उनका सर दाएं बाएं हिलता है, जबकि फ्रंट फेसिंग सीट पे यात्रियों का सर आगे पीछे हिलता है, जिसमें उल्टी का एहसास काफी कम होता है। इसके अलावा ये सीट्स का लोअर बैक सपोर्ट और अंडर थाई सपोर्ट दोनों बिल्कुल घटिया है। इसके विपरीत जिम्नी की पिछली सीट फ्रंट फेसिंग है, उस पे 2 यात्री तो बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं, जरूरत पड़ी तो 3 यात्री भी बैठ सकते हैं, क्योंकि पिछली सीट की चौड़ाई लगभग सिलारियों जितनी है, मगर सीट बेस काफी ऊंचा है, जिसके कारण लंबी सैर पर भी सीटिंग कंफर्ट बहुत बढ़िया रहता है। रही बात इंटीरियर्स की, तो जिम्नी के इंटीरियर्स थार से 20 साल ज्यादा आधुनिक लगते हैं और सारे प्लास्टिक ट्रिम्स सभी थार से कई गुना उच्च दर्जे के लगते हैं। गुणवत्ता और टिकाऊपन के मामले में भी जिम्नी के इंटीरियर्स थार से बहुत श्रेष्ठ लगते हैं। तो दोस्तों अगर नई कार खरीदने से पहले आप अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं तो अब घर बैठे बैठे आप उसकी वैल्यूएशन जांच सकते हैं। नीचे दी हुई cars24.com की लिंक पर cars24 देता है आपको सबसे बढ़िया रीसेल वैल्यू की गारंटी, इंस्टेंट पेमेंट और फ्री आरसी ट्रांसफर, ये सब एक उनके शोरूम की सिंगल विजिट में। तो दोस्तों cars24 का अवश्य लाभ उठाएं और लोकल कार डीलर्स को गाड़ी बेचने की चिक चिक से छुटकारा पाइए। दोस्तों तीसरा पहलू है पकड़ और ऑफ रोडिंग। जिम्नी की चेजी थार से कई दशक ज्यादा आधुनिक है। दोनों के सस्पेंशन में भी जमीन आसमान का फर्क है। जिम्नी के चेजी थार से हल्की होने के बावजूद उसमें कड़ी है उससे। दोस्तों तीसरा पहलू है पकड़ और ऑफ रोडिंग। जिम्नी की चेजी थार से कई दशक ज्यादा आधुनिक है। दोनों के सस्पेंशन में भी जमीन आसमान का फर्क है। जिम्नी की चेजी थार से हल्की होने के बावजूद उससे कड़ी है। जिम्नी का सस्पेंशन भी कॉइल स्प्रिंग प्रकार का है, जबकि थार में अभी भी लीफ स्प्रिंग वाला रियर सस्पेंशन लगा हुआ है। नतीजा ये कि ऑन रोड हो या ऑफ रोड, जिम्नी का पकड़ और नियंत्रण थार से साफ साफ बेहतर है। तेज रफ्तार पे भी जिम्नी थार के मुकाबले बहुत अच्छा संतुलन बनाए रखती है। मोड़ों पर दोनों गाड़ियों में काफी बॉडी रोल है, क्योंकि ये गाड़ियां कॉर्नरिंग करने के लिए नहीं बनी है, मगर वहां पे भी जिम्नी थार से थार जितनी खराब नहीं है। हैंडलिंग के मामले में भी महिंद्रा थार मार्केट की सबसे घटिया गाड़ी है।
इतनी धीमी रफ्तार पे वो अंडर स्टीयर करने लगती है कि गलती से भी आप उसे घुमावदार रास्ते पर ले गए तो जिंदगी में कभी आप थार खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे। उसके मुकाबले तो जिम्नी काफ़ी बेहतर पकड़ रख पाती है और काफ़ी चपलता से दिशा बदल भी कर दिखाती है। गड्ढों और खुरदरे रास्तों पर थार बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहती, हर गड्ढे में वह यात्रियों को तीव्र झटके पहुंचाती है। जिम्नी भी इस मामले में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन थार से थोड़ा सा तो बेहतर सस्पेंशन कंफर्ट दे पाती है। दोस्तों चौथा पहलू है फीचर्स। फीचर्स के मामले में भी जिम्नी थार से सदियों आगे है। जिम्नी में आपको वो सारे फीचर्स मिलते हैं जो मारुति की सारी नई गाड़ियों में मौजूद हैं, जैसे स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इत्यादि। लेकिन थार में तो सबसे मूलभूत फीचर्स भी उपलब्ध नहीं है, जैसे चाबी वाला सेंट्रल लॉकिंग और फ्रंट पावर विंडोज। सेफ्टी फीचर्स के मामले में भी थार में आज कुछ नहीं मिलता। जिम्नी में आपको ABS, 2 एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ISO फिक्स पॉइंट्स और हिल होल्ड जैसे फीचर्स मिलते हैं। जुलाई 2019 में ABS, 2 एयरबैग्स और रियर पार्किंग सेंसर कंपलसरी ही होने वाले हैं। इस वजह से बस उतना ही नई थार में मिल जाएगा, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल इत्यादि सेफ्टी फीचर्स अगले 10 साल में भी आने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो का पासवर्ड है #Jimmy। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, इस वीडियो का पासवर्ड है #Jimmy। टिकाऊपन और सर्विस। आज मार्केट में ढेर सारे ग्राहक सच्ची फोर व्हील ड्राइव SUV खरीदना चाहते हैं, लेकिन थार और गुरखा जैसी गाड़ियां उनको टिकाऊ और भरोसेमंद नहीं लगती। और उनकी बात बिल्कुल सही है दोस्तों, आज मार्केट में साधारण हैचबैक जितना अच्छा टिकाऊपन और सर्विस दे रही है, वैसे 4x4 पर्याय क्यों नहीं मिल रहा है। 4-5 साल पुरानी थार देखी तो उनकी हालत इतनी बुरी रहती है कि कोई भी समझदार ग्राहक ऐसी गाड़ी लेने का सोच भी नहीं सकता। आज थार के अलावा सिर्फ एक और पर्याय मार्केट में मौजूद है, जो है फोर्स मोटर्स की गुरखा, लेकिन वो तो इस मामले में और भी गई गुजरी है। इस वजह से आज इस श्रेणी की मार्केट सिर्फ 500 गाड़ियां प्रति महीना इतना छोटा रह गया है। लेकिन अगर जिम्नी जैसी भरोसेमंद और मारुति के 3000 सर्विस सेंटर के फायदे वाली 4x4 मार्केट में आती है तो देखते देखते यह श्रेणी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन उसके लिए मारुति को ये गाड़ी कम कीमत में लॉन्च करनी पड़ेगी। दोस्तों समय हो चुका है अंतिम निर्णय का। तो दोस्तों आज मार्केट में जिन गाड़ियों में 4-व्हील ड्राइव मॉडल्स उपलब्ध हैं, उनके सिर्फ 2% ग्राहक 4-व्हील ड्राइव वेरिएंट्स खरीदते हैं, जबकि बचे हुए सारे ग्राहक उनके 2-व्हील ड्राइव मॉडल्स ही खरीदते हैं। इसलिए मारुति को जिम्नी का 2-व्हील ड्राइव मॉडल भी लॉन्च करना चाहिए। अब जिम्नी से 4-व्हील ड्राइव सिस्टम हट गई तो उसका वजन पुरानी डिजायर जितना हो जाएगा। उसके लिए K12 इंजन भी काफी होगा। इससे फायदा ये होगा कि जिम्नी को सब 4 एस मीटर गाड़ी होने का टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जो कि K15 इंजन वाली जिम्नी को नहीं मिल सकता। ऐसा करने से कीमत 8 लाख के नीचे आ जाएगी, फिर मारुति हर महीने हजारों जिम्नी बेच पाएगा और भरपूर मुनाफा कमाएगा। हम जैसे गाड़ियों के सच्चे शौकीन भी जिम्नी का 4-व्हील ड्राइव मॉडल तभी खरीद पाएंगे। तो दोस्तों इस सच्ची 4-व्हील ड्राइव ऑफ रोडर SUV को मार्केट में लाने के लिए फर्जी 2-व्हील ड्राइव मॉडल खरीदने वालों की जरूरत है। तो हमारी आपसे यह सिफारिश है कि YouTube, Facebook, Twitter, Instagram और वेबसाइट पे जहां पर भी आपको जिम्नी या जिप्सी दिखे, उसके नीचे कमेंट ठोको कि K12 वाली 2-व्हील ड्राइव जिम्नी खरीदने में आपको दिलचस्पी है। दोस्तों अगर आपको जिम्नी का फोर्स, गुरखा, मारुति जिप्सी इत्यादि गाड़ियों की तुलना में या क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है यह जानना हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चल सके कि ऐसे वीडियोज की मांग और है। और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करना ना भूलें। धन्यवाद।